नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका। आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो मैं इस पे आप पे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आप जैसे मानिए कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही ऑप्शन सही है, या फिर आपको क्रिप्टो में जैसे मान लो कि माइनिंग ही प्रॉफिटेबल है। भाई मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप माइनिंग करें, क्योंकि तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और टैक्सेस होने के कारण गवर्नमेंट इतना ज़्यादा चार्ज कर रही है 30%, जिसके कारण क्रिप्टो की माइनिंग आज के टाइम पे नॉन प्रॉफिटेबल होती जा रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग यदि माइनिंग करना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक होल्डिंग रखना पड़ेगी। जैसे मानिए कि जब ईथर के रेट 8 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं, तभी आपको अपने क्रिप्टो को, जो आपका ईथर है, जो आजकल वैसे ईथर प्रॉफिटेबल है, हो सकता है आगे ईथर बंद हो जाए। हो ही रहा है, सुनाई में तो आ रहा है कि जून जुलाई तक ईथर बंद हो जाएगा। तो फिर आपको जो ईथर है वो आपको बहुत समय तक होल्डिंग जो रखना रहेगी, और उसके बाद फिर रावन कॉइन और दूसरे कॉइन्स ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं या माइन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़र से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और क्रिप्टो की जो माइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती जा रही है आगे। डिफ़िकल्टी लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ने के कारण आप ये मानो कि जैसे डिफ़िकल्टी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप फिर क्रिप्टो को माइन करने में आपको बहुत इश्यूज़ आएंगे। और रावन कॉइन बहुत टफ होता जा रहा है आज के टाइम में, उसको भी माइन करना मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यदि आदि आप लोग जैसे मान लीजिए कि यदि आप आज के टाइम में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जो आपको गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना, वो सिर्फ आपके ओनली ओनली सिर्फ प्रॉफिट पे देना। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे यदि आप माइनिंग की सोच रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा आप ट्रेडिंग पे जाइए, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो आप सबसे अच्छा वही ऑप्शन है और उसी पे आप जाइए। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई भी अभी मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा। बहुत महंगे महंगे जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं।